कहाँ रह गई बेला, अब तक कॉल क्यों नहीं उठा रही है? हाय शासन। हाय, कैसे हो तुम? I'm always good. क्या बात है, तुमने तो पलट के पूछा ही नहीं, ना फोन किया ना कोई मैसेज, इतनी जल्दी भूल गए मुझे, क्यों? अमल यार, हर किसी का अपना लाइफस्टाइल होता है बेबी, सबका अपना सोशल सर्कल होता है, और तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा, हमारे साथ चलना होगा। अब हम बार बार इस तरह मुड़ के तुम्हारा हाथ तो नहीं थाम सकते ना, यू शुड अंडरस्टैंड। तुम सही कह रहे हो, कोई किसी का इंतजार नहीं करता है ना। इंतजार तो वो भी था ना जो हमें कंबाइंड स्टडीज के लिए जाना था अब्रॉड, लेकिन जा नहीं सके, वो इंतजार भी तो खत्म हो गया ना। मुझे डैड ने फोर्स किया कि मैं यहीं पे रुक के अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं और उनका बिजनेस में साथ दूं। एनीवेज, किसी ने इतने इसरार से रोका मुझे कि जाने का मन ही नहीं कर सका। I'm happy for you. Hi Amit. Hi, happy birthday. थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा गाइज, आई एम गेटिंग अ कॉल, एक मिनट। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बट यू आर लेट। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ। चले हो? तुम जाओ, बस मुझे एक मिनट बात करनी है रेहान से। रेहान, तुम प्लीज ये पैसे रख लो, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। अमल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ये पैसे अब तुम्हारे हैं। इंसान को पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, और तुम्हें भी पड़ेगी, प्लीज ये रख लो। लेकिन मैंने कहा ना, रख लो। मैं आती हूँ। अच्छा, तो इस वजह से तुमने अपनी बाइक बेची थी? ये मेरा और अमल का पर्सनल मैटर है, प्लीज मैं डिस्कशन नहीं चाहता इस पे। पर्सनल मैटर? मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ रेहान, मुझसे क्यों छुपाई ये बात? उसकी वजह से तुमने अपनी बाइक बेच दी और उसने सारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार दिए। प्लीज, मैंने कहा ना, ये उसका मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले ये सब। वैसे भी तुम्हारे केस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेहान ने मुझे पैसे देने के लिए अपनी बाइक सेल कर दी। इस वजह से तुमने अपनी बाइक बेची थी? ये मेरा और अमल का पर्सनल मैटर है, प्लीज मैं डिस्कशन नहीं चाहता इस पे। पर्सनल मैटर? मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ रेहान, मुझसे क्यों छुपाई ये बात? उसकी वजह से तुमने अपनी बाइक बेच दी और उसने सारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार दिए। प्लीज, मैंने कहा ना, ये उसका मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले ये सब। नोमी, अरे नोमी, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई,
इस तरह गेम छोड़कर कौन आता है? बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे डिग्रेड करने का, क्यों इतना ओवर स्मार्ट बनते हो? अरे नूमी बेटा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? राफे बस हेल्प कर रहा था मेरी। अरे बेटा रहने दो, इन लोगों के तो खून में शामिल है दूसरों का दिल दुखाना और नीचा दिखाना। कैसी बातें कर रही हो नायना? क्या गलत कहा मैंने सोनिया? जब ये बाप बेटा आपस में खेल रहे थे तो जरूरी था तुम्हारा बेटे का बीच में जाके उनसे लड़ना? सारा दिन टाइम नहीं मिलता, पढ़ता रहता है मेरा बच्चा, जरा सी देर अपने बाप के साथ खेल रहा था, आग लग गई तुम्हारी औलाद को। नहीं मामी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस मामू की हेल्प कर रहा था। देखा गज भर की जबान है इसकी, किस कदर जबान चलाता है, जरा भी तमीज नहीं सिखाई अपनी औलाद को तुमने। नायला प्लीज गुस्सा तो मत करो यार, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ऐसी हालत में। और सोनू प्लीज तुम राफे को लेकर अंदर जाओ, और हाँ आइंदा जब भी मैं नोमी के साथ खेल रहा हूँ तो कोशिश किया करो कि राफे ना आया करे मेरे सामने। चलो जाओ मनाओ, अब देख रहे हो मुझे ज़हनी अज़ियत हो दोनों बहन भाई। राशिद अभी तक पहुंचा नहीं, आ जाए तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है। अरे सोनू की कॉल आ रही है, मैं भी मामा से बात करूं। अच्छा तुम कर लो, उठाओ। हेलो मामा, कैसी हैं आप? आपको पता है मैं फूफा से भी आप ही के बारे में बातें कर रही थी। देख लो मेरी बेटी ने मुझे याद किया और मैंने कॉल कर ली। क्या कर रही हो? अभी तो हम लोग रूम में ही हैं, पहले मैं पापा के साथ किचन की कब्र साफ करवा रही थी। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि फूफा के साथ हाथ बटा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे सुन के। अच्छा मेरी जरा बात कराओ रुबा पापा से। जी मामा, अपना ख्याल रखिए, मेरी तरफ से खुदा। हाँ सोनू बोलो, कैसी हो? राफे कैसा है? मैं ठीक हूँ और राफे भी ठीक है, सो रहा है, कल बात करवाऊंगी सुबह को। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बल्कि ऐसा करो कि कल तुम लोग मेरी तरफ आ जाओ ना। हाँ आप, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी राफे के सिलसिले में। हाँ हाँ बोलो। पापा मैं सोच रही हूँ राफे का दोबारा से स्कूल का एडमिशन करवा दूं। मेरा बच्चा बहुत डरा डरा सहमा सहमा सा रहने लगा है। क्या हो गया है सोनू? सब खैर तो है ना? आपा वो मैं आपको मिलकर बताऊंगी, आप मेरे साथ राफे के स्कूल में चलेंगी ना? वो क्या है कि पहले तो हमेशा मैं इश्फाक के साथ जाती रही हूँ, इसलिए अकेले जाते हुए कुछ अजीब सा फील हो रहा है। आप मेरे साथ चलेंगी तो थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। फिकर नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी स्कूल और उसके प्रिंसिपल से भी बात करूंगी। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। किस बात का शुक्रिया? अमल और राफे मुझे बहुत अजीज हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं। जी आपा जानती हूँ, इसी बात की तो तसल्ली है मुझे कि मेरी बेटी आपके साए में बिल्कुल महफूज है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लो अमल से बात करो। ठीक है आप आराम करें, बात करवाएंगे। अमल फोन पे बात करके मुझे दे देना। हेलो मामा, सब ठीक है मामा?